अभी मैं एक नई डेस्टिनेशन के निकल गया हूँ एंड यहाँ से एयरपोर्ट है अराउंड 15 किलोमीटर, तो मैं अभी एयरपोर्ट जा रहा हूँ। मैंने काफ़ी सारी जगह में पढ़ा भी था एंड वीडियो में देखा था कि सेवू में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, तो कहीं पर भी जाना हो तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। लकली बाइक में जा रहा हूँ तो यहाँ जल्दी पहुँच जाऊँगा। ये बीच में जो दिख रहा है ये रिवर नहीं है, ये सी का ही पार्ट है एंड ये छोटा सा आइलैंड जैसे बना हुआ है, तो उस साइड में एयरपोर्ट है। सेवू में डोमेस्टिक एयरपोर्ट एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगल बगल में ही है, बहुत छोटा सा ही एयरपोर्ट है वैसे तो। फाइनली सेबू के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पहुँच गया हूँ। यहाँ से मैं एक नई जगह पे जा रहा हूँ जिसका नाम है बोराकाय, एक आइलैंड है, छोटा सा आइलैंड है, तो अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ उसके बारे में। ब्लू पैसिफिक की फ्लाइट थी एंड ये प्लेन बहुत ही छोटे होते हैं। ट्रैक है, आइलैंड है, बहुत ही छोटा सा आइलैंड है, उसके अंदर कोई भी एयरपोर्ट नहीं है। तो उसके बगल में एक आइलैंड है, वहाँ पर एक कटी क्लेन एयरपोर्ट है, तो वहाँ पर पहुँच गया। एंड ये एयरपोर्ट भी बहुत छोटा सा है, छोटी प्लेन आती हैं एंड प्लेन से उतर के ऐसे चल के जाना पड़ता है। तो बाहर आ गया था एंड अभी मैं बस लेके यहाँ पर जो जेटी है, कटी क्लेन वाली जेटी पोर्ट है, वहाँ जाऊँगा। अलग अलग सर्विसेज हैं, जैसे कि ऑटो होता है, ऑटो ले सकते हो, वैन में जा सकते हो या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। निकलते ही ये टिकट काउंटर है, यहाँ से पब्लिक वैन लेके पहले आपको कटी प्लेन वाला जटी पोर्ट है वहाँ जाना पड़ेगा एंड 25 किलोमीटर का रास्ता है, फिर वहाँ से आपको बोट मिल जाएगा। बोट भी दो तरह के हैं, वहाँ जाके दिखाता हूँ। बोट है अराउंड यहाँ से 2.6 किलोमीटर दिया मैप में, अभी थोड़ा अंधेरा भी हो गया एंड यहीं से बस से मिल जाती है। तो यहाँ पोर्ट पर पहुँचते ही यहाँ टूरिस्ट लेन में जाके फिर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। मैं अंदर जाके यहाँ का जो भी प्रोसेस है आपको बताता हूँ। यहाँ कुछ फीस भी है, एनवायरमेंटल फीस तो पे करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, यहाँ टिकटिंग बूथ, रजिस्ट्रेशन, टिकटिंग और एनवायरमेंटल फीस, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा एंड देन उसके रजिस्ट्रेशन कराने के बाद यहाँ पर आपको एनवायरमेंटल फ़ी देना पड़ता है, जो कि अराउंड पैसों में 300 पैसों है, इंडियन करेंसी में 150 रुपये हो गया। एंड देन उसके बाद आपको बोट मतलब ये बीच में सी है, सो क्रॉस करने के लिए आपको बोट लेना पड़ेगा, तो उसका इन्होंने 50 चार्ज किया है पैसों, जो कि इंडियन करेंसी में 70 हो गया। एंड देन उसके बाद यहाँ पर इस जेटी को पोर्ट को यूज़ करने के लिए उसका ही फीस लेते हैं लोग, 150 पैसों, अराउंड 225 रुपये। टोटल खर्चा हो गया 300, 350, 400, तो 750 तो यहाँ पे बस खर्चा ही हो गया है, 750 इंडियन रुपीस खर्चा हो गया वहाँ जाने के लिए। फालतू में इतना कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस बना दिया था, एक ही जगह में इनको करना चाहिए सारे प्राइसिंग और टिकटिंग, अलग अलग जाके लेना पड़ा मुझे। तो सारी फॉर्मेलिटीज़ होने के बाद अभी मैं बोर्ड की तरफ जा रहा हूँ। ये नॉर्मली पंप बोट है, बेसिकली बीच में इन्होंने बोराकाय को बंद कर दिया था कि यहाँ बहुत टूरिस्ट आने लग गए थे, फिर 2017-18 में दोबारा रीओपन हुआ, फिर कोविड बंद कर दिया था, तो उसके पास से एनवायरमेंटल फ़ीस लेते हैं, फिर भी 750 रुपये सिर्फ यहाँ जाने के लिए फ़ीस देनी पड़ गई। चार्जेस देखेंगे, बोट का चार्जेस तो काफ़ी कम है, 50 पैसे है, जो कि अराउंड इंडियन करेंसी में 70 रुपीज़ जाता है, बाकी सारा एनवायरमेंटल फ़ीस दिया है। हमारी बोट निकल चुकी है एंड यहाँ से सिर्फ 10 मिनट का ही रास्ता है, जो दूसरी पोर्ट जा रहे हैं कगबान, यहाँ से 10 मिनट दूरी है, अराउंड 1 किलोमीटर का ही रास्ता है। सो फाइनली कगबान पोर्ट पहुँच गया हूँ, यहाँ से 3 किलोमीटर और रहेगा, यहाँ पर मेरा हॉस्टल है, तो बाहर से यहाँ पर ट्राईसाइकिल बोलते हैं ऑटो जैसा, वो मिल जाएगा, उसको लेकर जाता हूँ। यहाँ बाहर ऑटो वाले जो ट्राईसाइकिल होते हैं वो है एंड बाइक वाले भी मिल जाएंगे, तो अभी जाके देखता हूँ कि क्या अवेलेबल है। टाइम 10 मिनट्स, 3 किलोमीटर एंड हाउ मच, 100 या
जो मेरा हॉस्टल है वो स्टेशन 2 के पास में है। यहाँ पर 3 स्टेशन है, 1, 2, 3, मतलब आसपास में ही है, बट मेरा जो हॉस्टल है वो स्टेशन 2 के पास में है, तो मैं वहीं जा रहा हूँ। तो फाइनली मैं हॉस्टल पहुँच गया हूँ, अभी जाके चेक इन कर लेता हूँ। This is available. Can I take this one? Thank you. हॉस्टल तो अच्छा है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। मैं बाहर जाके डिनर कर लेता हूँ और थोड़ा सा घूम फिर के बैठ जाता हूँ। अभी मार्केट ऐसे ही घूमने नहीं आ गया था मैं, मैं अपने हॉस्टल में सामान रख लिया है एंड मैं बाहर घूमने के लिए आ गया था, थोड़ा कुछ खा भी लेता हूँ एंड यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या अवेलेबल है। यहाँ पास में एक 7-Eleven था तो अंदर में आ गया। मुझे कुछ पानी एंड कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स लेना था एंड मैं थोड़ा प्राइसिंग भी देख लेता हूँ कंपेयर टू सेबू कैसे है। मेरे हॉस्टल के पास में ही था 7-Eleven और 7-Eleven में एक चीज़ अच्छा है कि आपको ओवरऑल सब कुछ मिल जाता है, जो भी चाहिए आपको, खाने पीने का, स्नैक्स, पानी वगैरह, एंड 24/7 ओपन रहता है, जो कि बहुत अच्छा है, कभी भी आके कुछ भी ले लो। सेबू की कंपैरिजन में प्राइसिंग थोड़ा सा महंगा है, अराउंड 10-15% महंगा होगा, पर ठीक है कि रीज़नेबल है, ऐसा नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव है। यहाँ पर दारू तो काफ़ी महंगी है, जब मैं लास्ट टाइम सेंट्रल एशिया गया था उसके हिसाब से तो बहुत ही महंगी है। ये बोराके आइलैंड है, ये फिलीपींस का सबसे फेमस आइलैंड है, यहाँ बहुत लोग आते हैं, मतलब फिलीपींस में बहुत सारे आइलैंड्स हैं बट बोराके सबसे ज़्यादा फेमस है एंड सबसे ज़्यादा क्राउडेड भी आइलैंड है। बीचेस बहुत ही अमेजिंग है, बिल्कुल वाइट कलर के बीचेस हैं, ब्लू वाटर है, सब कुछ यहाँ पर बहुत ही सुंदर एंड अमेजिंग है। सो मेरे हॉस्टल के काफ़ी पास में, मतलब 100-150 मीटर होगा, सी बीचेस है काफ़ी सारे, तो मैंने सोचा कि जाने से पहले पहले एक बार जाके बीच को नज़र मार ही देता हूँ। तो जितने भी मतलब बीच, मतलब मेन बीच में आइलैंड एक पतला सा रेक्टेंगुलर शेप में लंबा सा है एंड बीच में से रोड जा रही है एंड रोड से मतलब दोनों साइड में बीचेस है, जो सेंटर में रोड है उसके दोनों साइड कहीं पर भी चले जाओ बीचेस है, और जहाँ पर भी ऐसे ऐसे बीचेस को कनेक्ट करने की स्ट्रीट है कि हर स्ट्रीट में ऐसे आपको बहुत सारे खाने पीने की जगह मिल जाएगी एंड बहुत सारे रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज हैं। यहाँ पर चारों तरफ रेस्टोरेंट, कैफे वगैरह है एंड अनलिमिटेड, में कहीं पर भी जाओ आपको कैफेज रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जितने तो लोग नहीं है उससे ज़्यादा यहाँ पर रेस्टोरेंट एंड कैफेज हैं। तो यहाँ चारों तरफ ऐसे बीच के चारों तरफ रेस्टोरेंट और कैफे ही कैफे हैं। अभी वैसे अंधेरा रख रहा है तो कुछ दिख नहीं रहा होगा, तो मैं कल आराम से आऊँगा घूमने के लिए, अभी नेक्स्ट 4 दिन यहीं पर ही हूँ। इतने क्राउडेड और इतने हैपनिंग वाले पार्टी वाले बीचेस पसंद नहीं है, कभी कभी चलता है, बट यहाँ बहुत सारे ऐसे बीचेस भी है जहाँ पर बहुत ही कम क्राउड होगा या बिल्कुल पीसफुल होगा, तो कल से वैसे जगह पे हैंग आउट और कभी कभी यहाँ पर आ जाओ। यहाँ बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक प्ले करते हैं, हर जगह शोर शराबा, क्राउड। थैंक यू। यहाँ पर भी थाईलैंड की तरह लोग, थैंक यू, स्टेट में कोई भी जा रहा है तो हर कोई आके बेचने की कोशिश करता है, कोई कुछ पूछ लेता है।
यहाँ पर भी काफ़ी सारे मसाज सेंटर हैं, तो वो भी मसाज को पूछते रहते हैं। मैंने यहाँ पर डिनर कर लिया था, डिनर अच्छा था, थाईलैंड जैसे ये बिल्कुल खाना। अभी ऐसे ही मार्केट में घूमते हुए मैं अपने हॉस्टल जा रहा हूँ, फिर वहाँ जाके आने रेस्ट करता हूँ। अभी नेक्स्ट 4 दिन यहीं पर ही हूँ, तो फिर यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे। तो इस वीडियो को ये एंड करते हैं आज के लिए। गुड नाइट।